सुनामी आ गई। वही तो, चल चल ले वाली जल्दी। आधा घंटा यहाँ पे खड़े खड़े आप फाइनली जाकर ना ये लिफाफा मांगा किसी से कि ले लेके दौड़ देंगे। नखरे नहीं मुख से, अभी नखरे क्या, अगर नहीं मिला तो क्या बन के जाऊंगा। कपड़े यार, मैं बताती हूँ। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज भी काफी सारे काम है। कल मैंने एक्चुअली वो कुर्ता लिया नहीं था, अभी मुझे कुर्ता लेने भी जाना है और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है और काफी सारे काम है। उसके बाद मुझे मेहंदी है, सॉरी मेहंदी में भी जाना है, तो मुझे मेरी मॉम से परमिशन लेनी पड़ेगी। मम्मी ने पंखा चलाया हुआ है इतनी ठंड में। मैंने चलाया, मम्मी ने हीटर चलाया हुआ है पर मैंने पंखा चला दिया था गलती से। माय फॉल्ट। ओके मम, मैं भी निकल रहा हूँ, काम ही है अभी, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है पहले, ठीक है? फिर उसके बाद मैं कुर्ता वगैरह लेने जाऊंगा। ओके ओके, आशीर्वाद। चलो ओके मम, मम्मी मेरा वो तो देते, मुझे रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे एक मंथ के बाद बुलाया था, तो आज एक मंथ हो गया, तो मुझे अपना ये MRI वगैरह दिखाना पड़ेगा ना, तो ये भी सब लेके जाना पड़ेगा मुझे अपना आम जाम। ओके मॉम, पहले अपन लोगों को रूपाली के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मैं जो खरीदने जाऊंगा कुर्ता वो रूपाली के साथ ही खरीदूंगा, क्योंकि मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है जो बता सके कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता लगता नहीं है। तो फिर सोचा मैंने कि रूपाली से पूछ लेता हूं, रूपाली भी चल रही है तो रूपाली के साथ जाऊंगा, वो लूंगा और वो मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएगी। पहले डॉक्टर के पास फिर खरीदने जाऊंगा और 5 बजे मुझे फिर वहां फंक्शन में पहुंचना है मेहंदी के, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जल्दी रूपाली के पास पहुंचते हैं। देखिए क्या हुआ, इस गाड़ी को बारिश हुई थी तो थोड़ी गंदी होगी। और ये क्या है, दो गुत्ते बना कर आई, तेल लगाए थे, फिर मैं सोचा आज बाल बांध दूं, बड़े बड़े बाल मेरे बिखरे रहते हैं, तो तू ये दो गुत्ते बना कर आ गई, इनको तेल लगा के मेरा छाप दिया। चल अच्छी लग रही, चल जल्दी चलते डॉक्टर के लिए, लेट हो गए, ठीक है? नहीं बात है कुछ, हॉस्पिटल तो पहुंच गए, दो गुत्ते से लेकर आए, सारे इसको बच्चा समझ रहे हैं पर ठीक है, अभी बस लेट हो गया। वैसे ना यहाँ पर 12:30 तक होता है, 1 बज गया, अभी चेक करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डॉक्टर ट्यूसडे पे बैठता है। डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर की तरफ से मुझे ग्रीन झंडी मिल गई। तेरे सॉक्स वो मैं बैग में ले गया था, वो तेरे नहीं थे, वो मैंने खरीदे थे सॉक्स, उसने उसमें 4 दिलवाए थे इसलिए एक मेरा हुआ ना, तो इसने उसमें कहा था कि एक मेरा है, तो वो ले सॉक्स, उसको दबने वो भी, और हम ये कहते कि डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अब योगा वगैरह शुरू करो, नाच ले शादियों में, नाचने से मना करा है, बट ये है कि योगा वगैरह शुरू कर और हल्के से ना कोर की स्ट्रेंथ बढ़ा लो, फिर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओगे। अभी बताया क्या हुआ, मैंने चाबी लॉक खोला, गाड़ी हमारी यहाँ पीछे, वहाँ टोयोटा के वहाँ उसको दरवाजा तोड़ रही है, मैंने लोअर पाया हुआ था, मैंने से चाबी मांगी और इसने चाबी तो क्या ही देनी थी, चले यार आगे मिलते हैं शॉपिंग करने जा रहे हैं। अब मैं ना बच्चा यहाँ का ना वहाँ का, अभी यहाँ मार्केट में आए थे, कहाँ का बच्चा कहीं का भी नहीं, मार्केट में आए, कुर्ता पजामा देखा भाई, आज मुझे पता लगा ऑनलाइन जो कपड़े मिलते हैं उसमें वैरायटी इतनी ज़्यादा मिल जाती है और इजीली एक्सचेंज भी हो जाते हैं, तो कितना बड़ा फायदा, यहाँ कपड़ा ही नहीं मिल रहा, बंदा कह रहा ऑनलाइन वाले चोर बना रहे हैं, और जबकि ऑनलाइन वाला कपड़ा इतना बेटर था, यहाँ कोई कपड़े पसंद नहीं आया, सारे रफ, कोई कॉटन वाला दे ही नहीं रहा। अब मनी बाजार जाना पड़ेगा, फाइनली मनी बाजार ही लास्ट ऑप्शन रहेगा, मनी खर्च करने मनी बाजार जाना पड़ेगा, अगर वहाँ भी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं जाएंगे शादी, जाऊंगा तो सामान तो मिला नहीं, खाने का ही सामान ले लिया, अब लाश होगा, अब तो डर लग रहा है, नहीं ये खाऊंगा, मंडी कह रहा मेरा ये खाऊंगा, अब बताओ लाश शॉप रहेगी मनी माजरा, अगर वहाँ कुछ नहीं बना ना तो मुझे तो डर लग रहा भाई कि क्या ही पहनूंगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा यार, टाइम भी 2:30 बज गए, 5 बजे मुझे वहाँ पहुँचना भी है, अब सीधा मनी माजरा को निकलता ना, आज तू तो नहीं आ रही ना, आज ये नहीं आ रही, आज अकेले जाऊंगा। अभी ना मार्केट में मनी माजरा की तरफ जा रहे थे, एक तोता मिल गया मुझे नकली वाला, अब मिट्टू ना हरकतें बहुत करने लग गया, तो मिट्टू के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं नकली वाला तोता ले लेता हूँ, ताकि उसको मारेंगे ना तो उसको पता लगेगी वो काम मुझे नहीं करना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहा तोता, आंटी वाला तोता देने, कोई सा दे दो इनमें से, ये वाला तोता लिया, इसमें से आवाज भी निकलेगी, डरेगा और सही है ना, मिट्टू को बिठाने के लिए काम आएगा, एक कसर रहेगी जी, सब कुछ सही चल रहा था, रुक जब बारिश और आ गई, देखना बारिश आ गई और गाड़ी खड़ाई हुई उस साइड, गाड़ी होते हुए भी यहाँ खड़े हुए शेड में, मिला तो है नहीं सामान और ऊपर से
बारिश से बचने के लिए खड़े हो और यहाँ, और इसने सबकी नाक में दम करा वे फू करके। आधा घंटा हो गया हमें, आधा घंटा यहाँ पे खड़े खड़े। अब फाइनली जाकर ना ये लिफाफा मांगा किसी से कि ले लेके दौड़ जाएंगे। बारिश का लेवल देखो, आवाज पूरी तेज होगी, बारिश पूरी तेज होगी। मगर इसको उतार देते कम से कम आराम से तो आ रही थी। अब तो हद्दी होगी भाई, हद्दी होगी। यही हो गया सारा टाइम, पूरा मौसम काला हो गया। मुझे तो लगा 6 बज गए। आंटी भी ऐसी घूम रहे सब, गाड़ी पीछे, गाड़ी तक पहुँचे कैसे? आंटी आ जाओ, आप भी अंदर ही आ जाओ। बारिश में ही निकल रहे अब, वो तो निकल पड़ी, मैं भी जा रहा हूँ। चल वाली चल, तेरी जल्दी रूपाली, जिससे पहले और भी भिगा दे। रूपाली आजा, देखना पानी पानी हो गया। सुनामी आ गई, सुनामी है, सुनामी आ गई। वही तो, चल चल ले रूपाली जल्दी। अबे मेरे मुंह पे आ गए, मुझे दिख, अबे गिल्ला हो रहा है पूरे का पूरा। बारिश हो रही है, बताओ गाड़ी में आए हम? बताओ कौन कहेगा गाड़ी में आए, वैसे ही बात है। पर एक बात है, इससे ना सर पे लग नहीं रहा पानी, मेरा आइडिया था। बारिश थोड़ी रुक गई फिर भी ठीक है। यार अबे तेरा दिमाग है, ऐसे हो रहा था लग रहा होगा तुम्हें, 6-7 बज गए पर अभी 3:30 ही हो रहा है। बोल दिया मैंने, बोल दिया तो मैं भी सबको बता रहा हूँ, ये सही कह रही है। और ऊपर से शॉपिंग तो क्या करनी थी, बेइज्जती और करा ली, बेइज्जती करा के बैठे हुए आज तो। बारिश आ गई, कपड़े नहीं मिले, घूम लिए। पर एक चीज की अच्छी है कि डॉक्टर पहना तो है, ग्रीन कुर्ता चाहिए आज के लिए। कुछ नहीं मिल रहा, मिट्टू का सामान आ गया बस। आज तो बैंड ही बज गया यार, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब पिछली साइड एक और मार्केट है, वहां जाना पड़ेगा क्योंकि 1.5 घंटा रह गया, 1.5 घंटा रह गया। नखरे नहीं मुकुदे, अभी नखरे क्या, अगर नहीं मिला तो क्या बन के जाऊंगा? कपड़े यार, मैं बताती हूँ, ऐसे होता था मेरा, मैं जीन्स जो भी ले उससे पहन के निकल जाती थी। कितने साल पुरानी बात है, कितने साल पुरानी बात है? आज से 13-14 साल पुरानी बात है। ऐसी निकलती हूँ मैं भी ऐसे निकलता हूँ। मेरे दोस्त की शादी है यार, मजाक थोड़ी है। अगर कोई रिलेटिव भी, दोस्तों की शादी हो मेरी शादी। मैं ऐसे बता रहा हूँ, कभी ऐसे होती थी ना रिश्तेदारों में किसी की होती थी तो मैं भी चला जाता था ऐसी। ये तो पर्सनल अपने दोस्त की है, वो तो करना ही है बस। तो तुम्हें एक ना ऐसे बड़ी एक खास न्यूज भी मिलने वाली है बड़ी जल्द, शादी आ रही है उसके। बड़ी जल्द तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त न्यूज मिलने वाली है, बट यार अभी मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ऊपर बारिश आ गई, बारिश में घूमते फिरते इधर उधर, बताओ सेम ये जो तूने फूसा है ना अभी, अपने तो पीगी, वैसे जूठा नहीं पीती और मैंने जूठा करा हुआ था। ओ तू जूठा के, ओवर एक्टिंग की दुकान है एक नंबर की। तेरे से सही एक्टिंग तो मिट्टू करता है। तो चलो यार, अब मैं ना जैसी बारिश थोड़ी शुरू होगी तब जाऊंगा, क्योंकि इधर पीछे रश लग गया, जैसे वो रश हटेगा तब जाऊंगा लेने। एक रश नहीं है, अभी इधर भी बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड की पिछली साइड। तुझे कैसे पता इसको, चल गया इसको, इसको रहते हुए ना यहाँ अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ। मैं 5 साल से, और तू बचपन से रहा होगा तो भी रस्ते तुझे पता नहीं लगता, बता वो गलत मोड़ आ गया। चल अब नहीं है रस, एक मुक्के में इसकी गेम खत्म कर दूंगा। चलो आगे मिलता हूँ, रस पी लेंगे। वैसे किसी को समझ नहीं आएगा, इसने रश, मैंने बोला ना पीछे रश लगा हुआ था, इसने कहा चाय के साथ रस खा लेंगे, रस नहीं खाते थे वो बोला। इतना समझाना पड़े ना किसी का जोक तो समझ लो, किस लेवल का बंदा, मैं तो समझ गया कि मैंने इसका पहले भी सुना हुआ एक दो बार। पता नहीं दो गुत्ते सी बनाकर आ गई, अजीब सी दिखाई अपना थोपड़ा, पता नहीं कौन सा सरसों आंवला, पता नहीं कौन सा तेल इसने लगाया हुआ, सरसों ना आंवला, नारियल नारियल। पूरा ढूंढ लिया भाई, पूरा का पूरा ढूंढ लिया और कुछ भी नहीं मिला। देखता हूँ पापा का, अगर मुझे कुर्ता आ जाता तो फिर पापा का ही पहनूंगा। चल बस अब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, चलो के निकलो, पापा चलते हैं घर, सारा टाइम यही वेस्ट हो गया। बाय बाय बाय। मुझे तो सोचता हूँ बहुत नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, सुबह से मैं ऐसे निकला हुआ था, बट अब तो ओके 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 ओके। निकल गई वो भी, अपा भी निकलते हैं अब।
मिठू खुश हो जाएगा आज ये छोटा मिठू देखकर। भाई मुझे तो एट लास्ट ऐसा कुछ मिला नहीं, पूरा ढूंढा कुछ नहीं हुआ, तो मैं पापा का ही पहन कर आ गया। पापा के पास भी नया वाला था, मस्त है, मतलब ठीक लग रहा है, बड़ा सही है, बट यही पहन लिया। सब कह रहे थे ग्रीन ग्रीन, अब जो मिला मैंने तो पहन लिया। ग्रीन में ढूंढने गया था, नहीं मिला, अब कल का देखेंगे क्या करना है, बट अभी यही हो गया बस। तो फाइनली फंक्शन ओवर हो चुका है। मैंने फंक्शन का ज्यादा शूट नहीं करा क्योंकि सारे दोस्त ऐसे बिजी हो गए थे, अब लेट भी काफी हो गया, 11:30 हो चुका है और सुनसान ही उड़ का भाई पूरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ना नाइट लाइफ है नहीं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, यहाँ नाइट लाइफ है ना कि नाइट में भी तुम्हें लोग दिख जाते हैं। चंडीगढ़ में इक्के दुक्के दिखेंगे, वो भी अगर कोई नाइट जॉब से घर आ रहा होगा, अदरवाइज पूरी सड़कें खाली दिखेंगी तुम्हें। पापा मम्मी की भी डांट पड़ेगी, जल्दी घर पे पहुंच जाता हूँ फिर बस। वैसे तो इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करता हूँ ना, मिलता नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, मिलता नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।